उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आज एक अनोखा नजारा दिखाई दिया। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर एक बंदर बैठा हुआ नजर आया। तकरीबन 10 मिनट तक ये बंदर यहाँ बैठा रहा। 10 मिनट तक ये बंदर महाकाल मंदिर का ध्वज पकड़कर बैठा रहा। और जाहिर तौर पर ये जिन जिन ने भी इसे देखा उनके लिए कौतूहल का विषय रहा। कबूतर चले थे कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर की कीमत कम कर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। इसके तहत अब मध्य प्रदेश में सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम होकर 800 के करीब पहुंच गई है। पीएम की इस पहल का मध्य प्रदेश की महिलाओं ने स्वागत किया। उनका कहना है कि सिलेंडर के दाम कम होने से किचन का बजट सुधरेगा। साथ ही ये कहा है कि पीएम ने महिलाओं के लिए जो कदम उठाया वो सराहनीय है। और जो सब्सिडी पहले दे रहे थे फिर रोक दिए थे फिर अब दे रहे हैं, तो ये सब्सिडी हमेशा देना चाहिए। जो सिलेंडर हम 450 में भराते थे अब 900 में 800 में 1100 तक का भरवाए हैं, तो जब 100 रुपए कम कर दिए तो इसको हमेशा मतलब ऐसा करके चलाएं ताकि उनकी सरकार ऐसे आगे हमेशा चलती रहे। बहुत ही फायदा है मोदी के किए हुए हर काम पे हमें फायदा है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है ये हुआ है तो बहुत फायदा ही है ना हमें। मोदी जी जो कर रहे हैं भारत के लिए देश के लिए बहुत गर्व की बात है। किचन का बजट भी थोड़ा सा कम हो गया। हाँ, कम हो गया है गैस सिलेंडर का किया हमने तो हमारे लिए कम से कम पहल हो रही है, इस चीज की बहुत खुशी है। लेकिन हम इससे बहुत कुछ ज्यादा चाहते हैं कि हमारी सभी महिलाओं को इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। अभी तक तो अनाउंसमेंट तो हर जगह हो जाती है लेकिन अब उसका फायदा कितने लेवल तक पहुंचता है वो बहुत जरूरी है। देखते हैं, पहल हुई है तो हो सकता है एक बड़े लेवल पे भी जाए। अब अच्छा फायदा होगा, मजदूरी तो रोज नहीं लगता है, कभी लगता कभी नहीं लगता है। अपन लोग तो बीमारियां माने खुद ही तंग हैं दवा दारू से, यही अपन अच्छा है जो कम हो जाता, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, जो लिखा रहता हो तो होता ही है। जब कर दिए गैस कम तो ठीक है, 1200 रुपये टंकी थी, फिर 910 हुआ, फिर 100 घट गए, 800 हो गए, अच्छी बात है, आगे सरकार कुछ भी कर सकती है। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार बने रहें क्योंकि संघर्ष की वो दास्तान हम आपको बताएंगे जो ना कभी देखी गई है और ना कभी सुनी गई है।